95% लोग जो IAS की तैयारी में मार खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं। What is means? Fact come concept. किसी भी काम को जब करना हो ना, उस पर होमवर्क करो पहले। पता करो ये क्या है, यूपीएससी क्या है, तुम यूपीएससी देना चाहते हो क्या है, ये इसका सिलेबस क्या है, ये मुझसे क्या जानना चाहती है, कोचिंग क्यों जाना चाहिए। तुम बिना क्या जाने कूद पड़ते हो। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भारत का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको एक ऐसा वर्ग चाहिए, एक ऐसा क्लास चाहिए जिसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स पता हो, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। 1950 की इंडियन इकोनॉमी, 1991 की इंडियन इकोनॉमी और 2040 की, हम कहां थे, हम कहां पहुंचे, कहां जाना चाहते हैं, ये उसकी डिमांड है। लेकिन ये चीज समझने के लिए जो थियोरेटिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमी है वो तो समझना पड़ेगा। 95% लोग सिर्फ पढ़ने को प्रिपरेशन मानते हैं। नो, जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। तुमने आईएएस की तैयारी शुरू की, एक चैलेंज ले लिया तुमने, अब तुम जाग गए। मन को झंझोरते हैं पल पल, घूम रहे हो राजेंद्र नगर में, सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़े सर, अब तुम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो यूपी से, उसकी फ्रंट पेज की खबर है 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। अब वो पढ़ के जब तुम आए और तुमने फिर यहां पढ़ा कि यूक्रेन अंडर क्राइसिस, नाटो विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, अब तुमको लगा नाटो ये क्या है, इसको नाटो नहीं पता। आज की दुनिया में वो क्या न्यूज़पेपर पढ़ेगा। वो पिक्चर थी ना हेरा फेरी, तो उसमें परेश रावल को गुंडे गाड़ी में छोड़ के अकेले जा रहे होते हैं, बुलाता है वो, कहता गाड़ी बंद कर दो बाहर से, क्या गुंडा बनेगा रे तू। वो डायलॉग मुझे याद आता कि क्या आईएएस की तैयारी करेगा रे तू। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा बेसिक्स नहीं है ना, बना लो। पहला पॉइंट अपनी डायरी में लिखो कि whosoever wants to prepare for IAS should have basics। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 10th के बाद ह्यूमैनिटीज छोड़ देते हैं, तो आपको पता नहीं व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट इज पॉलिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू हैव टू फॉलो, बेसिक्स। इकोनॉमी का क्या रोल है लाइफ में, ज्योग्राफी का क्या रोल है लाइफ में, हिस्ट्री का क्या रोल है लाइफ में। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इफ अशोक कैन हैंडल इट, इफ अकबर कैन हैंडल इट, व्हाई नॉट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।